हाल की कुछ घटनाओं पर हम फोकस करें तो एक बात तो निकल कर सामने आती है कि इंडिया टीम के खिलाड़ियों और मुख्य चयनकर्ताओं के बीच कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। बता दें कि जब महेंद्र सिंह धोनी झारखंड में विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने से इनकार कर दिया, जबकि मुख्य चयनकर्ता MSK प्रसाद ने दो दिन पहले सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा की थी। इस मौजूदा घटना से तो बात स्पष्ट हो जाता है कि चयनकर्ताओं और सीनियर खिलाड़ियों के बीच कुछ तो पक रहा है। बता दें कि खिलाड़ी अपना कार्यक्रम खुद तय करते हैं। बता दें कि धोनी पिछले दो साल से बल्लेबाज के तौर पर फॉर्म में नहीं हैं। उनके महाराष्ट्र के खिलाफ झारखंड का क्वार्टर फाइनल मैच खेलने की उम्मीद थी, लेकिन शनिवार को झारखंड के मुख्य कोच राजीव कुमार ने बेंगलुरु में पत्रकारों को बताया कि धोनी ने क्वार्टर फाइनल में नहीं खेलने का फैसला किया, जबकि मुख्य चयनकर्ता ने इससे पहले उनके इसमें हिस्सा लेने की घोषणा की थी। झारखंड के कोच कुमार ने कहा, धोनी को लगता है कि इस चरण में टीम से जुड़ना उचित नहीं होगा, क्योंकि टीम ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है और उनकी अनुपस्थिति में क्वार्टर फाइनल तक जगह बनाई है, वह टीम का संतुलन नहीं बिगाड़ना चाहते। बता दें कि धोनी ने इस साल 22-3, 15 वनडे और 7 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला है, जिससे वह जब भी लंबे ब्रेक के बाद खेलते हैं तो फॉर्म में नहीं दिखते। ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि प्रसाद ने सार्वजनिक घोषणा करने से पहले धोनी से एक बार बात की थी। BCCI के एक सीनियर अधिकारी ने शनिवार को कहा, मैं जानना चाहूँगा कि MSK प्रसाद कैसे धोनी से संपर्क करते हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से वरुण की रिपोर्ट।